हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो सेशन है वो आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए है कि सीजी व्यापम ने सीजी टेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2022 के फाइनल रिजल्ट, तो इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो आप सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। और यदि आप प्रेस रिलीज की बात करेंगे कि प्रेस रिलीज में क्या दिया गया है, तो प्रेस रिलीज में यहाँ पे दिया गया है कि ये जो रिजल्ट है एलिजिबल और नॉट एलिजिबल नाम से ये रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर हुआ है। तो जिस किसी ने भी टेट का एग्जाम दिया है वो जाकर के सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए और वहां से अपने रिजल्ट को आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो रिजल्ट है दावा आपत्ति, इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वेबसाइट आज ही रिजल्ट डिक्लेयर है। जैसा कि डेट यहाँ पे मेंशन है 21/10/2022, तो आज ही ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कि रिजल्ट जो मॉडल आंसर था कब जारी किया गया था, तो 6 तारीख को मॉडल आंसर जारी किया गया था और उसके बाद में दावा आपत्ति के लिए भी समय दिया गया था। उसके अनुसार यदि हम बात करें तो इसमें लिखा है कि प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण विषय विशेषज्ञों द्वारा किया गया और इसके पश्चात अंतिम उत्तरों के साथ परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। और उसके तहत में ये आज यानी कि 21 तारीख को यह प्रदर्शित किया जा रहा है और परिणाम में अभ्यर्थियों को पात्र अथवा अपात्र दर्शाया गया है। तो ये इन्होंने अपने इस प्रेस नोट में बता दिया है। तो आप लोग अभी जाइए और जाकर के अपने रिजल्ट को देखिए कि एलिजिबल है आप या नहीं है, क्योंकि मॉडल आंसर तो एक अलग बात है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट जब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है तो फाइनल रिजल्ट आप लोगों को ध्यान में रख करके ही आप अपना रिजल्ट देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। साथ ही साथ जब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इतनी जल्दी ये रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया है, यहाँ से ही आप अनुमान अब लगा सकते हैं कि शिक्षक भर्ती अब जल्द से जल्द निकलने वाली है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, मॉडल आंसर तुरंत जारी किया गया, दावा आपत्ति स्वीकार की गई, दावा आपत्ति के बाद में रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब आप लोगों को देर नहीं करना है। यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। लेकिन जो लोग एलिजिबल नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो वो ऐसा करेंगे क्योंकि अभी CTET का भी पेपर होने वाला है, तो आप उसके लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे जब भी निकले शिक्षक भर्ती, उसके लिए यदि हम देखें, यदि हमारे पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट, यदि PG डिग्री यदि हमारे पास नहीं, हमने मास्टर्स नहीं किया, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है ये टेट को क्लियर करना। चाहे आप CGTET हो यानी कि आप किसी भी राज्य का टेट, यहाँ पे हम ये बात करेंगे CGTET क्लियर, या फिर आप CTET क्लियर हैं, मायने ये रखता है। तो अपनी पहली सीढ़ी को चढ़िए, तो CTET के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को जारी कर दीजिए। रुकना नहीं है, क्योंकि आपको अभी अपना गोल, अपना लक्ष्य अभी प्राप्त हुआ नहीं है, तो रुकिए मत, चलते जाइए। चलते जाइए का यहाँ पे हम अर्थ ये निकाल सकते कि आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी। यदि आप एलिजिबल हैं तो शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हो जाइए, यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो CTET के लिए तैयारी अपनी जारी रखिए, क्योंकि दोनों में पढ़ना तो एक है, कुछ तो अलग है नहीं, लगभग तो वही है। बस शिक्षक भर्ती के अंतर्गत यदि हम बात करेंगे, सहायक शिक्षक एवं शिक्षक के अंतर्गत कि कंप्यूटर का पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, उसमें कंप्यूटर से प्रश्न पत्र यानी कि प्रश्न आने वाले, बस कुछ पार्ट पर एक्स्ट्रा ऐड है, बाकी सिलेबस तो वही है। तो आप लोग जाइए, अभी विजिट कीजिए। और लेकिन याद रखना, थोड़ा सर्वर बिजी आ रहा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी खुल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना, अरे मेरा तो आ नहीं रहा है, मुझसे तो बन नहीं रहा है, मेरे में तो ओपन हो नहीं रहा है, तेरा आया क्या, मेरे में तो आ नहीं रहा है, तो टेंशन मत लेना, दिखाई दे देगा। अभी थोड़ा सर्वर बिजी है लेकिन वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में मैं आज के सेशन को एंड करूंगी। आशा है जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स, जहां कहीं भी आप ऐड हैं, जिस भी ग्रुप में, उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। इसी के साथ में आज के सेशन को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। और थोड़ी ही देर बाद
एक और वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है, तो उस वीडियो को जरूर देखना ना भूलिए, जो कि आप लोग थोड़ी ही देर में वो वीडियो आप लोगों के सामने में आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।